नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे DTDC में कौन सा सामान नहीं भेजना चाहिए, अगर आप कस्टमर हैं और उसके लिए भी बेनिफिट है, और अगर आप फ्रेंचाइजी हैं या DSA हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिट है। अगर नए फ्रेंचाइजी हैं तो उनको आपको पता होना चाहिए कौन सा सामान भेजना चाहिए कौन सा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी कैश नहीं भेजना चाहिए DTDC के अंदर। अगर आपको कोई कैश भेज रहे हैं, आप कस्टमर हैं तो भी आपको कैश नहीं भेजना चाहिए। अगर आप फ्रेंचाइजी हैं तो आपको देख के लेना है कि कोई कस्टमर कैश तो नहीं भेजना है, क्योंकि कैश भेजता है तो आपको आपके लिए दिक्कत हो सकती है। और इसके बाद दूसरा आइटम है आपका मेटल। मेटल में जैसे कि सोना चांदी और किसी भी तरह का कोई आइटम हो वो आप ना भेजें, क्योंकि उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो चोरी हो जाता है। फिर इनकेस वो स्कैन होगा तो वहाँ पर पकड़ा जाएगा, फिर आपका पैकेट होल्ड हो जाएगा और काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। तो आपको कोशिश कीजिए कि मेटल आप ना भेजें, और अगर फ्रेंचाइजी हैं तो आप ज़रूर देख के बुक करें कि कोई कस्टमर मेटल सोना चांदी तो नहीं भेज रहा है। उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो कहेगा कि फिर आपने हमने भेजा था और इतने रुपए का था। तीसरा आइटम है आपका मेडिसिन। मेडिसिन अगर आप भेजते हैं बिना डॉक्टर के सर्टिफिकेट के या डॉक्टर के लिखे हुए, अगर कोई डॉक्टर जब तक लिखता नहीं है तब तक आप उसको भेज सकते हैं। अगर आप फ्रेंचाइजी हैं तो आपको ध्यान देना है कि जब तक आपके पास डॉक्टर का लिखा हुआ लेटर नहीं होना चाहिए, जो उसका सर्टिफिकेट होता है वो, अगर वो उसने लिखा नहीं है तो आप उसको मत भेजिए, क्योंकि उससे आपको दिक्कत हो सकती है। या फिर किसी मेडिकल के स्टैम्प होनी चाहिए, किस मेडिकल से इसने सामान लिया है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी जो फ्रेंचाइजी है, और कस्टमर को भी दिक्कत नहीं आएगी। चौथा आइटम है आपका, अगर आप कोई तम्बाकू या बीड़ी सिगरेट या कोई पान मसाला किसी तरह का आइटम है वो आप नहीं भेज सकते हैं। उसमें आपको फ्रेंचाइजी को भी ध्यान रखना है और सामने वाले कस्टमर को भी, ये आइटम जाता नहीं है उसमें, अगर जाता है तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। पाँचवा आइटम है आपका, कोई भी आर्म्स नहीं भेज सकते हैं, किसी तरह की बंदूक या किसी तरह का आर्म्स किसी तरह का भी हो, गोली है तो वो आप नहीं भेज सकते हैं। छठा आइटम है आपका, किसी तरह का कोई नेल पेंट हो गया या आपका थिनर हो गया या फिर आपका कोई आपका पेट्रोल डीजल केमिकल आइटम होते हैं वो नहीं जाते हैं। उसमें क्या होता है, आग लगने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसके कारण क्या वो नहीं जाते हैं। और सामने वाले कस्टमर को भी ध्यान रखना है और आपको फ्रेंचाइजी को भी। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब की, लाइक की, नमस्कार।